नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। बढ़ते जलस्तर को लेकर लोगों में बाढ़ का खतरा सताने लगा है। वहीं अगर बात करें बिहार के मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर के बागमती नदी का जलस्तर बीते शनिवार से ही कम हो रहा है। हालांकि नदी में पानी बढ़ने से खेतों और निचले इलाकों में पानी का दबाव बढ़ गया है। आपको बता दें कि कटरा प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली पीपा पुल जो कि बागमती नदी पर बना है, हालांकि नदी में पानी कम होते ही पीपा पुल से तेजी से आवागमन शुरू हो गया। उधर का क्या हाल है? अभी तो ठीक है। अभी ठीक है, माने आराम से आ जा सकते हैं। पानी कमा है क्या? पानी का क्या हाल है? पानी घट रहा है। पानी घट रहा है, कब से चालू हो जाएगा चार चक्का वहाँ? शाम से चार चक्का चालू हो जाएगा। शाम से, आज शाम से चालू हो जाएगा? शाम से चालू हो जाएगा। वैसे तो दो चक्का चल ही रहा है। दो चक्का चालू है। आप पीपा पुल के स्टाफ हैं क्या? पीपा पुल के सहारे मोटरसाइकिल और पैदल लोग आ जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही चार पहिया वाहनों का भी आवागमन शुरू हो जाएगा। इस बीच बाढ़ प्रभावित एक ग्रामीण ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, हम पानी में खाना बना रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे घर में पानी भरा हुआ है, हमें सांपों का डर सता रहा है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, प्रशासन की ओर से कोई भी यहाँ नहीं आया है। पानी में खाना बना के खा रहे हैं, बच्चा सब भूखे रह रहा है, आप तो सब देखिए रहे, तो हम क्या बताए। कितना पानी लगा हुआ है? घर में भर भर कमर पानी है, चूल्हा डूबा हुआ है, पानी में चौकी रख के खाना बना रहे हैं। कीड़ा मकोड़ा का भी डर लग रहा है? सब चीज का डर है, सांप उप का डर लगता है, मगर क्या करे। कुछ जनप्रतिनिधि आया है? नहीं आया। पहले खाना बना रहे हैं कि रात में बनाएंगे खाना? नहीं, पहले बना रहे थे, शाम में पिलुआ माकर का डर लग रहा है, बच्चा सब है, सवेरे पानी में बना देंगे, कहीं पर कोना पकड़ा देंगे, क्या करेंगे। कितना पानी है घर में? घर में तो देख ही रहे हैं, इतने भर भर जांग पानी, भर भर कमर पानी है, भर करेजा पानी है। क्या क्या डूब गया? सब चीज डूब गया है, चूल्हा वूल्हा डूब गया है, घर में दाना पानी राशन वासन था तो सब डूब गया। आपको बता दें कि जब बागमती नदी में जलस्तर बढ़ता है तो जिले के औराई, कटरा और गायघाट प्रखंड के कई गांवों का संपर्क प्रमुख मुख्यालय और जिला मुख्यालय से टूट जाता है। लोग कम दूरी की दूरी तय करने के लिए कई किलोमीटर घूम के आते हैं। हालांकि अभी वैसी स्थिति नहीं है। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।